महंगाई कितनी है, हर चीज है, गुंडागर्दी ताला। इतने के बाद तो कोई भी नजर नहीं आया, कुछ भी नहीं है जी। छह दिन में पानी आ रहा है। आप किसी भी गली में चले जाइए, कूड़ा देख लीजिए, पानी किसी भी दे रही है। हमें देखो, हम छप्पर में बैठे थे, 40 साल से बैठे हैं। हमें दुकानें बना के दे दी, और क्या चाहिए करते हैं। पर जो आम आदमी कर गया ना, वो कोई नहीं कर पाएगा। है पानी लाइए, क्या चाहिए अब जनता को, आप बताओ और क्या चाहिए अब। दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत, किस तरह की दिक्कत, हर चीज की दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत। चाहती की चाहिए, दो चाहे मुस्लिम हो, सारे एक साथ ही रहे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, राजनीति काफी गर्म है। दिल्ली में भी गर्म का जो पहर है वो आप देख सकते हैं, काफी गर्मी हो रही है। दिल्ली में 40 डिग्री जो है आज तापमान पहुंच चुका है। वहीं राजनीति की बात करें तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है। दिल्ली के लोग वोट देने जाएंगे, अपना जो है सांसद चुनेंगे, और उसके बाद जो है बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस बार, क्योंकि जो टक्कर देखी जा रही है काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने है रामबीर सिंह बुदूड़ी को मैदान में उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने जो है मौका दिया है सही राम पहलवान को। वहीं आपको याद दिला दूं कि 2019 में, अगर इतिहास की मैं बात करूं, 2019 से ही यहां पे जो है बीजेपी का राज बना हुआ है। रमेश बिगुड़ी जी जो है राज कर रहे थे, लेकिन अब उनको साइड कर रामबीर सिंह जो है उनको मौका दिया गया है। अभी जनता जो है यहाँ पे मौजूद, काफ़ी मार्केट एरिया मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी जो है जनता यहाँ पे मौजूद हैं, और उनसे जो है हम जानेंगे कि आने वाले टाइम पे किन मुद्दों पर वो वोट देंगे, किसको वो जो है आने वाले टाइम पर कितना जो है इस एरिया में परिवर्तन आया है, काम आया है, क्या दिक्कत परेशानी है, ये हम आम लोग से जो है, आम जनता यहाँ जो मौजूद है उनसे जानेंगे। चलिए, और आपको एक जो है खास बात मैं ये भी बता दूँ कि 20 लाख जो है यहाँ पे वोटर्स हैं, और सबसे दिलचस्प बात ये है कि 8 लाख जो है 8 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता है, और 11 लाख से ज़्यादा महिला जो है वो मतदाता है यहाँ पर। यानी कि महिलाओं की संख्या मतदान देने वक्त मतलब ज़्यादा है, वोटर्स की संख्या, महिलाएं वोटर्स की संख्या जो है यहाँ पे ज़्यादा है। तो उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे यहाँ का माहौल कैसा है, चुनावी माहौल, चलिए जानते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ बहरौली के एक मार्केट में, मंडी में आ चुकी हूँ मैं, तो आइए चलिए यहाँ पे जो जनता मौजूद है उनसे जानते हैं यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा है। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? आपका नाम? लाल सिंह। तो आप जानते हैं कि 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, तो किन मुद्दों पे है जो इस बार आप जो अपनी सरकार चुनेंगे, किन मुद्दों पे आप वोट देने जाएंगे? हम तो झाड़ू वाले को वोट देंगे। झाड़ू वाले को वोट देंगे, यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को आप चुनेंगे, क्या कारण है उसका? बिजली फ्री है, पानी फ्री है। लेकिन अभी तो अरविंद केजरीवाल जेल में भी जा चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सारे मतलब कई कार्यकर्ता जो हैं कई घोटाले में जो फंस चुके हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जितना वही है। जितना वही है, एकदम आप मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी परसेंट जीतना है, जीतना है, क्या कारण लग रहा है आपको? काम अच्छा है, पब्लिक खुशहाल है, और क्या है, बिजली मिल रही है। और जो है एक तरफ आप बीजेपी को साइड कर रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? बीजेपी के साइड कर, बीजेपी महंगाई कितनी है, हर चीज है, गुंडागर्दी ताला। अभी जो है कई कुछ दिया है उन्होंने, की आवास योजना दिया है, उज्ज्वल योजना जो है वो भी लाए हैं, वो सिर्फ झुंझुना दिए, अच्छा कुछ नहीं। तो मतलब आम आदमी पार्टी को आप जो है 100% जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे तमाम जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे जमा है, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, 25 मई को वोटिंग है, दो उम्मीदवार जो है खड़े उतरे हैं, एक तरफ बीजेपी के तरफ से रामवीर सिंह भदौड़ी है, वही आम आदमी पार्टी की तरफ से सही राम पहलवान है, तो क्या लगता है आप किनको चुनेंगे? मोदी साहब को ही। हाँ। तो वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, बिजली फ्री दे रहे हैं, बस उनको जो अच्छा लगे वो देंगे, हमें अच्छा लगे हम दे देंगे। तो क्या कारण कि आप बीजेपी को चुन रहे हैं? कारण वाला नहीं पता हमें, तो बस कारण नहीं है, मतलब मोदी के चेहरे से बस आप जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी साहब के पीछे, मोदी साहब की वजह से। कारण रीजन कुछ नहीं है, कारण रीजन कुछ नहीं है, बस आंखें बंद करके एकदम मतलब मोदी को चुन रहे हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? फाइन। क्या नाम है आपका? नारायण। करते क्या है आप? प्राइवेट जॉब करते हैं। अब 25 मई को वोटिंग है, वोट देने आप भी जाते होंगे, तो किन मुद्दों पर जो है इस बार आप वोट देंगे? सारे मुद्दों देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखेंगे कि देश के हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उन्हीं पर ही हम फोकस करेंगे और सब कुछ देख के देंगे। यही है। अभी जो है रमेश बिगुड़ी का काम कैसा लगा है अभी तक, कितना परिवर्तन जो यहाँ पे उनके आने से हुआ है? तो पर्टिकुलर कुछ हमने देखा नहीं, देखी हमने
मतलब वो आते नहीं है यहाँ पे, यहाँ कभी शक्ल नहीं आते आप लोगों की मुसीबत जी, मुसीबत आएंगे जब ना जब वो शक्ल दिखाएंगे, मतलब चुनाव के बाद लगभग सब गायब ही हो जाते हैं जी, गायब हो जाते हैं, जीतने के बाद तो कोई भी नजर नहीं आया। वैसे यहाँ पे रैलियां वगैरह भी हुई थी काफी, कुछ सुना है मैंने, रैलियां होने से थोड़ी होता है काम होता है, 10 सालों में एक काम तो बता दो कि एक काम मतलब हुआ, 5 सालों में कितना कुछ यहाँ पे परिवर्तन आया है रमेश बिगुड़ी जी, कुछ भी नहीं है जी, कुछ परिवर्तन, 6 दिन में पानी आ रहा है, किसी किसी ये जितनी खड़ी है संख्या मैरौली के, किसी से पूछ लो कि कितने दिनों में पानी आता, वही 5 दिन में 6 दिन में पानी आ रहा है, क्या फायदा हुआ, 300 कुछ करोड़ रुपये पास हुआ था, सब ने तुम्हारा सैदलाजा वाले ले गए, छतरपुर वाले ले गए, रास्ते में लाडोसराय वाले ले गए, सैदलाजा हो गया, छतरपुर हो गया, मैरौली वहीं की वहीं है, क्यों मैरौली के यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है किसके आने से, जहाँ एक तरफ जो है बीजेपी के सांसद है वहीं हूँ, चाहे कोई भी आ जाए कोई शक्ल नहीं दिखाता जी, काम तो बहुत की दूर की बातें, फिर भी बीजेपी आम आदमी पार्टी में टक्कर है दोनों सीट, टक्कर है, हम ये नहीं कह रहे कि टक्कर नहीं है, परिवर्तन का कुछ नहीं है जी, बाकी अब यहाँ निगम पार्षद का चुनाव हुआ था, 1 नंबर पे थे, जब रिजल्ट आया तो वो पता लगा 3रे नंबर पे है जी, और जो 4थे नंबर पे था वो 2रे नंबर पे आ गया, क्या कर सकते हैं, पब्लिक का कुछ नहीं भरोसा, पब्लिक जागरूक है, जो काम चाहती है, ये नहीं कि जीतने के बाद उनसे पूछोगे हाँ ये काम करोगे, हम जानते ही नहीं जी तुम्हारे को, ये कहानी होती है जी, पूछने नहीं आती कोई मुसीबतें वगैरह, कोई भी नहीं आया, बता दो आप किसी भी गली में चले जाइए, कूड़ा देख लीजिए, पानी, किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, आप बस स्टैंड पे चले जाओ, खड़े होने की जगह नहीं है, बाथरूम करने की लेडीज़ के लिए बाथरूम नहीं है, क्या है, क्या सुविधाएं हैं, एक एक ऑफिस मैरौली में था, नजफगढ़ से लेके बदरपुर तक मैरौली में ऑफिस थे, सब जो जाने के बाद एक भी ऑफिस नहीं आया मैरौली के अंदर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया, बस फैमिली वगैरह के साथ आए हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब 25 मई को वोटिंग है, चुनावी माहौल अगर एक तरफ देखा जाए तो क्या लग रहा है? एक तरफ देखा जाए तो ये पीएम इंडिया गठबंधन का कोई पीएम फेस है नहीं, और बीजेपी का और एनडीए का पीएम फेस है, तो पीएम फेस पे ही वोट होगा, बाकी जब विधानसभा का चुनाव होगा तब तो केजरीवाल को। और आपकी सोसाइटी, आपके इलाके की बात की जाए तो 5 सालों में रमेश बिगुड़ी जी ने कितना परिवर्तन लाया, कितना काम हुआ है, और क्या कुछ मतलब आपको लगता है कमियाँ हैं? नहीं, कमियां तो बहुत हैं, कमियां तो हमेशा रहती हैं, क्योंकि सबको संतुष्ट कर पाना ये संभव नहीं है, चाहे कोई भी हो कोई भी इलाका हो, कमियां तो हैं, धीरे धीरे ही होंगे सब चीज़, काम तो किया है पर मतलब काम अभी बाकी भी है, ये भी होने हैं। तो इस बार कई टक्कर देखी जा रही है, एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी वहीं पर बीजेपी, दोनों की टक्कर होने वाली है सीट पर? नहीं, टक्कर तो होगी लेकिन बीजेपी का है ज़्यादा, बीजेपी का चांस लग रहा है। हाँ, क्या कारण है कि बीजेपी का चांस लग रहा है, मतलब लोग तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी काफी कुछ फ्री सुविधाएं देती है, इस वजह से उनकी तरफ जाएंगे? नहीं, तो आम आदमी पार्टी देती है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, मिलने ये देश के लिए चुनाव, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, हमें प्रधानमंत्री चुनना है, तो मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री और वैसा फेस दिख नहीं रहा। और इंडिया गठबंधन में तो सब जुड़ गए हैं इस बार, वहाँ पे अभी उनका अभी कोई ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, उनमें राहुल गांधी है पर उनके ऊपर सब लोग आजकल तो उनके ऊपर तो जोक आते हैं, लेकिन वो तो विपक्षी पार्टी लांछन लगाते थे कि महंगाई आ गई है, तो महंगाई तो हमेशा रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, बेरोजगारी है, नहीं वो तो सब चीज़ है, जो है उठाया जाता है। नहीं नहीं है, बेरोजगारी है लेकिन ये पॉपुलेशन भी तो है, जब पॉपुलेशन होगी तो बेरोजगारी वहाँ पे तो होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनावी क्या मतलब चुनाव के ऊपर बात कर रहे थे क्या आप भी? अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं 25 मई को वोटिंग है, आपके एरिया से एक तरफ जहां मतलब आम आदमी और बीजेपी में जो है कड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो क्या लगता है मतलब किन मुद्दों पे आप वोट देने जाएंगे? देखिए, मुद्दे वाली बात क्या बताएं, जो प्रोग्रेस है उस पर और जो भी आजकल जो माहौल चल रहा है उस पर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर वोटिंग होगी। भिदुड़ी जी के सांसद मतलब राज्य में कितना प्रोग्रेस है? देखिए, जो चेंजेस हैं मैं यहाँ पर इस विषय में तो कोई क्या बात कर सकता हूँ, बाकी ये ज़रूर है कि टक्कर तो दोनों की बड़ी सख्त है, आपस में कॉम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा, जो 2019 से ही मतलब जो है बीजेपी यहाँ पर है, राज जमा के बैठी है, तो लग रहा है कि अभी आम आदमी पार्टी मतलब टक्कर दे पाएगी? जी बिल्कुल दे रही है, मैं तो यही कहूँगा, जी बिल्कुल दे रही है, तो अब देखते हैं बाकी क्या होता है। सर आपको क्या लगता है?
ये भी हमारी इसी कॉन्स्टिट्यूशन जनता जनाधार होती है और जनता इस चीज़ का फैसला करती है कि कौन चुनावी पार्टी में कौन जीतेगा। तो जनता के ऊपर ये सब चीज़, जनता जिसको चुनने जा रही है, जिसको भरोसा जता रही है, सब उसके ऊपर। इन्होंने तो वोटिंग कर दी है। अच्छा, आपने कर दिया है। फिर भी मतलब एक होता है ना, 5 साल में भिदुड़ू जी के राज्य में कितना काम हुआ है यहाँ पे इलाके में। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे ज्यादा टाइम नहीं, सर पुराने हैं, सर ही बताएं। अच्छा, कितना सर कितना परिवर्तन आया, कितनी मतलब? नहीं देखिए, उन्होंने का जो पुराना वो रहा है उसमें तो कोई प्रोग्रेस हमने यहाँ पर देखी नहीं। बाकी हो सकता है कि शायद बड़े लेवल पर प्रोग्रेस रही हो तो हमने तो देखा नहीं। बाकी जो अपना लोकल लेवल पर होती है वो तो जो आम आदमी पार्टी का है। पूछा जाना तो उन्होंने कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है। नहीं तो देखिए क्या होता है कि जो डोमेस्टिक होता है वो तो निगम पार्षद के और MLA के हाथ में होता है। बाकी उन्होंने के हाथ में तो जो भी रहा है उन्होंने ठीक है। यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उन्होंने का। आम आदमी पार्टी का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पर। ये है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे और जो जनता है उससे जानते हैं कि चुनावी माहौल जो है यहाँ पे कितना गर्म है और जो टक्कर देखी जा रही है मुकाबले की, उस पर ये जो जनता है क्या कहने वाली है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। क्या करने आए? मोमोज क्या चकुच, क्या खाने आए? रोल खाने आए। हाँ। चुनावी माहौल चल रहा है, 25 मई को वोटिंग है। जी मैम। वोट देने गए हैं कभी आप? नहीं, वोट देने कभी? पहली बार है। पहली बार आप देंगे 25 मई को? क्या सर जी, बढ़िया। 25 मई को वोटिंग है, किन मुद्दों पर जो है आप वोट देने जाएंगे इस बार? 25 मई को वोटिंग है, एक आम आदमी पार्टी और BJP में कई टक्कर देखी जा रही है। BJP के अलावा आम आदमी के अलावा भी और कुछ पार्टीज है जिसको वोट दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गठबंधन पूरा बंद चुका है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को वोट देने से जो है बहुत सारे फायदे हैं। फायदे? हाँ, फायदे कैसे? फायदे बहुत सारे, आप चीजें देख लीजिए, नौकरी है लोगों को और उसके अलावा भी महंगाई है, कई सारे मुद्दे हैं जो आम आदमी को जो ज़रूरतमंद ज़रूरी चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है बस आम आदमी को, हम जैसे आम आदमी लोग जो है सोचते हैं कि बस आम आदमी ही फुलफिल कर सकते। BJP सिर्फ आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट हाँ। पैदा कर रही है, लेकिन काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि BJP तो मतलब मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। विदेश, आप देश की बात करिए, विदेश से क्या करना? मतलब आप इलेक्शन देश में हो रहा काम के ऐसे कहा जाता है। हाँ, तो इलेक्शन देश में कर रहे हैं आप, तो विदेश का लेके क्या करना है? आप देश की तरक्की करिए, आप विदेश से जा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से हो रहा होगा, जो भी हो रहा है वो तो होगा, उनकी जगह एक दूसरा भी होगा तो विदेश से अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, मोदी जी हो या कांग्रेस हो जो भी हो मिलेगा। तो मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से ज्यादा सुविधाएं इस वजह से जो आप उन्हें मतलब वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल, मेडिकल हो गया। हाँ। सब में मेन इशू मेडिकल हो गया आपका, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, लेडीज मोहल्ला क्लिनिक हो गया, हर चीज़ की सुविधा मिली है लोगों को, इसीलिए लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से चुने। लेकिन आप पूरे तक घोटाले में भी फंसे हैं, जेल में भी गए अरविंद केजरीवाल, उसके बाद जो उनके काफ़ी सारे कार्यकर्ता वो भी जो है जेल के चक्कर लगा सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, क्या लग रहा है? उसके बाद भी जो है आम जनता आम आदमी पार्टी को चुन रही है। घोटाले तो देखिए आप हर पार्टी करती है, हर पार्टी के पॉलिटिशियंस जेल जा सकते हैं, हर पार्टी में अलग अलग किस्म के मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, तो उसको जो है देख करके आप वोट देना नहीं देना, आप मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सक रहा हूँ कि BJP में ऐसे लोग हैं और आम आदमी में ऐसे लोग हैं, इसीलिए मैं इसको वोट देना और इसको वोट नहीं देना बोल के, ये मेरा प्रिफरेंस ये है कि मैं आम आदमी पार्टी को, लोगों को भी प्रेफर करूँगा और मैं खुद आम आदमी पार्टी को वोट दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब वोटर आईडी कार्ड है जी मैम? जी, वोट देने जाते हैं आप? 25 मई को वोटिंग है, क्या लग रहा है मतलब चुनावी माहौल देखकर जो आप 25 मई को वोटिंग देने जाएंगे, क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर जो है आप इस बार सवाल उठाएंगे? ओनली एजुकेशन सपोर्ट करेंगे, बाकी और कुछ नहीं बोलना। एजुकेशन, बेरोजगारी, इन सब पे आप जो है मुद्दा मतलब उठाना चाहते हैं? नहीं, बस ओनली मेरे को एजुकेशन के लिए बोलना, बाकी और कुछ नहीं। तो सर 25 मई को वोटिंग है, अभी चुनावी माहौल देखें तो क्या लग रहा है राजनीति में आप? राजनीति में तो ये लग रहा है कि भाई केजरीवाल काम बढ़िया कर रहा है हमारे राज्य में। क्या कुछ जो है आप मतलब काफी जनता हमने कहा केजरीवाल को चुन रही है, क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है, देखो सुविधाएं दे रही है हमें, देखो हम छप्पर में बैठे थे, 40 साल से बैठे हैं, हमें दुकानें बना के दे दी और क्या चाहिए, अब तो ये सुविधाएं थोड़ी नहीं है, बहुत है हमारे लिए, हम छप्पर डाल के बैठे 40 साल से यहाँ पर, आज दुकानें बना के दे दी, आराम से बैठे, पंखा लगाए, कम से कम इज्जत से बैठे तो हैं। कारण आप मतलब आम आदमी को चुन रहे हैं, पिछले 5 सालों में जो यहाँ पे रमेश भिगुड़ी जी, उनका काम कितना हुआ है, मतलब कितना परिवर्तन आया आपके क्षेत्र? वो तो यहाँ देखने भी नहीं आए हैं, कैसे हैं
कभी मुलाकात भी नहीं हुई है कि चल भाई रोड से तो काफी रैलियां वगैरह निकली थी, आज सुना है मैंने काफी आपके इलाके में रैलियां तो केजरीवाल की निकली खाली एक, बीजेपी की भी निकली एक छोटी मोटी, बाकी और किसी की नहीं। जी सर नमस्ते, क्या हाल है आपका? नमस्कार, ठीक कैसी हैं आप? बढ़िया। तो कितना मतलब 5 सालों में जो है रमेश भिगुड़ी जी के काम में मतलब कितना मतलब लगा है, कितना काम हुआ है अभी आपके इलाके में? रमेश भिगुड़ी का तो पता नहीं, लेकिन हम तो मोदी के फैन है, मोदी को ही वोट देंगे। मोदी के फैन है, मतलब मोदी का चेहरा देख के जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर काम की बात करें तो? काम की अगर यहाँ पे अभी सेंट्रल में तो मोदी ही रहेगा अभी, है ना, स्टेट में भी अब देखेंगे केजरीवाल अगर सही काम किए। इस बार कई टक्कर देखा जा रहा है, अब आपकी सीट से मैं अगर बात करूं बीजेपी और आम आदमी कई टक्कर होगी तो क्या? प्रधानमंत्री चुनाव है तो प्रधानमंत्री के लिए तो अभी हम रिकमेंड मोदी जी रहेंगे, अब मुख्यमंत्री चुनाव होगा तो उसमें सोचेंगे कौन सा कैंडिडेट अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। तो अभी मैं आपके क्षेत्र की बात करूँ, किसी तरह की परेशानियाँ दिक्कतें कुछ नहीं? अभी तो फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो बीजेपी को चुनने का कारण क्या है? काम किया उन्होंने। काम क्या काम? अब राम मंदिर से देख लो, रोडवेज देख लो, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ अरविंद केजरीवाल के राज में काफ़ी कुछ आप लोगों को सुविधाएं मिली हैं, बिजली की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, महिलाओं के लिए हो। केजरीवाल का मतलब काम तो ठीक ही है वैसे, लेकिन अब देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए तो मैं रिकमेंड मोदी को। मोदी को क्योंकि मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो योजनाएं उन लोगों ने किया है, काम दिख रहा है, काम दिख रहा है, इस वजह से आप जो है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम विकास सिंह। क्या करते हैं आप? मैं मैम अपनी गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपना ही काम करता हूँ। कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को मैम मेरी पैदाइशी मैरोली की है। मैरोली की है। हाँ जी। तो क्या लगता है रमेश भिगुड़ी के मतलब सांसद में कितना मतलब आपके क्षेत्र में परिवर्तन आया, कितना काम हुआ है? कितना काम तो मैम कुछ नहीं, पर बाकी पटड़ी पे जो दुकानें हैं ये हमारे मतलब कोई भी प्रशासन मतलब जो ये इलेक्शनों के आम आदमी पार्टी वालों ने ही करवाया, जो करवाया बाकी और कोई सी पार्टी मतलब समझी नहीं मैं किस तरह की पट्टियां क्या काम। अब जैसे कि ये पक्की दुकान आम आदमी वालों ने की है। अच्छा, ये सब दूसरी हाँ दूसरी पार्टी ने कोई ने पटड़ियों का समाधान अच्छी से नहीं किया, जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा मैडम, किया ही नहीं। कब से देख रहा हूँ मैम, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, कोई भी पार्टी ने किया ही नहीं है, जो आम आदमी पार्टी ने किया है दूसरी पार्टी ने किया ही नहीं है वो। लेकिन चुनाव के बीच जहां अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया गया, उसके बाद भी आपको लगता है कि जनता जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ जाएगी? अब वो तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता मैम, क्योंकि अब मेरे को खुद को ही नहीं पता कि उसको जेल क्यों हुई, मैं खुद ही नहीं डिसाइड कर पा। घोटाले में फंसे, शराब घोटाले में उनको फंसाया गया है और काफी आबकारी नीति में उनको फंसाया गया है। उनको फंसाया गया है, वो फंसे नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मतलब जनता से मैंने पूछा तो वो कहते फंसाया गया है। फंसाया गया है तो मैम वो फंसाया गया नहीं, वो उन्होंने किया होगा, जब ही तो फंसे वो, कोई ऐसे तो फंसाता नहीं है। तो आप मतलब मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गलती की है, इस वजह से वो जेल में गए थे? देखो मैं गलती करता हूँ तो मैं उसका खुद ही भरता हूँ। एक तरफ चुन भी रहे हैं उनको और एक तरफ उनकी गलती भी बता रहे हैं। जो बात मैडम जायज है वो जायज ही कह पाएंगे हम, तो और तो कुछ कह नहीं सकता मैं, जो बात जायज है वही कह सकता हूँ मैं। मतलब इतना बेनिफिट दे रहे हैं आपको, इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद भी मतलब? हाँ तो मैम मैं ये मेरे को ये डिसाइड नहीं हो रहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया या उनकी गलती है, मैं ये नहीं समझ पाया बस। आम जनता मतलब काफी जनता समझ नहीं पा रही आखिर क्या चल रहा है ये। तो मैम मैं तो देखो मैं तो कुछ इतना फ्यूचर तो मेरे अंदर है नहीं, पर आप बताओ कि क्या हो रहा है, ये सरकार कैसे चेंज हो रही है, अरविंद केजरीवाल को कैसे जेल हुई, आप ही बता दो कुछ हमको भी दिमाग में जो आए थोड़ा। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि मतलब आप अपने मतलब बेनिफिट के लिए लोग मतलब आम आदमी को ही चुनेंगे, क्योंकि काफी कुछ जो सुविधाएं दे रखी हैं महिलाओं के लिए बात हो रहा है। बहुत अरविंद केजरीवाल ने मैडम ज्यादा दे रखी है, और कोई सुविधा देने वाला नहीं है मैरोली में, इसलिए दिल्ली की जनता जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ भाग रही है। हाँ जी यही तो अरविंद केजरीवाल ने मैम, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत सुविधा की है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी तो रमेश भिगुड़ी जो तो आपके जाकर जो सांसद है वो तो बीजेपी की तरफ से हाँ तो क्षेत्र में कितना काम है, कितना तो रमेश भिगुड़ी जी ने भी किया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। तो कहते आते ही नहीं है यहाँ पे? आते क्यों नहीं आते, मेरे पास तो उनका किचन भी पड़ा है रमेश भिगुड़ी जी का, दिखा सकता हूँ मैं आपको, देखना चाहोगे? हाँ जी किचन, मेरा चाबी का छल्ले का किचन भी है। अच्छा, उस पे नाम भी लिखा रमेश भिगुड़ी जी। अच्छा, तो मैम उसको भी सपोर्ट करते हैं, पर जो आम आदमी कर गया ना वो कोई नहीं कर पाएगा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है? सब बस कंपनी से आ रहा हूँ। ठीक हूँ। अच्छा, काम करते हैं आप? काम करते हैं जी। आपका नाम? एम डी इलियास। अभी 25 मई को वोटिंग है,
बहुत कड़ी टक्कर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का कड़ी टक्कर देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि मतलब कितना प्रोग्रेस आपके क्षेत्र में हुआ है, कितना काम? चोरी नहीं करेगा, सब ठीक होगा, काम तो ठीक है केजरीवाल का, क्या कमी है यहाँ पे दिल्ली में? जी बिल्कुल, जो बात है सो सच है। ये पार्टी पॉलिसी की है, राजनीतिक है, ये गंदी काम मतलब बिजनेस है, तो इसमें कहा क्या जा सकता है, आप लोग भी समझते हैं इस बात को। अब हम लोग तो जनता है, हम लोग तो जो देखेंगे वो कहेंगे, ठीक ही है सब कुछ, ठीक ही मिला जुला के, अभी वह भी वोटिंग का समय है, फिर उसने अंदर किया सभी को, उनकी उनकी जब तक राज है जिसको मन करे उठा के डाल दे। मैं मीडिया पे, मैं मतलब सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, ओपन बोलूँगा, हमें जिसको जो करना हुआ कर लेगा, ये पार्टी पॉलिसी का काम है। जब कुश्ती होता है मैदान में तो एक जीतता है एक हारता है, यही बात है, फिर अभी खत्म हो जाएगा कहानी, सब फिर ठीक हो जाएगा, सब अपना अपना जगह पे रहेंगे। तो 5 सालों में कितना मतलब आपको लग रहा है प्रोग्रेस? गले मिलेंगे केजरीवाल भी जी, गले मिलेंगे, चुनाव की दौर मतलब ये सब होता है, दौर हो रहा है, ये हो रहा है, दंगी हो रहा है, इधर होते रहते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं। अच्छा, ये सब कोई कहने की बात, मतलब आम जनता भी जो वाकिफ है कि ये क्या चल रहा है, ये सब पार्टी पॉलिसी काम है, ये होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। और मतलब काम की बात करें तो क्या लगता है कितना काम जो है आपके क्षेत्र में अभी तक हुआ है, किसी भी कमी लगती है, परेशानियाँ वगैरह, दिक्कतें वगैरह? यहाँ पे 100% काम किए केजरीवाल ने, 100%। क्या कमी? सबसे बड़ी तो लेडीज की बस फ्री की है, बिजली फ्री की है, पानी लाई है, क्या चाहिए अब जनता को, अब बताओ और क्या चाहिए, अब बिजली पानी बत्ती सब तो दिया फ्री, अब क्या चाहिए। दीदी कैसी है? हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस सब बढ़िया, मैं भी अच्छी हूँ। 25 मई को वोटिंग है, आप जानती होंगी, वोट देने जाते हैं आप? हाँ जी जाते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आप घरेलू महिलाएं हैं तो आप लोगों के मतलब हाथ में होता है घर को कहीं ना कहीं संभालना, तो किसी तरह की दिक्कत परेशानी आपको अभी तक महसूस हुई है 5 सालों में? दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत ही दिक्कत, किस तरह की? हर चीज़ की दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत है, परेशानी की दिक्कत है, महंगाई वगैरह बहुत है। किसी सरकार से मतलब कुछ लगता है कि कोई कौन सरकार जो आएगी आपको मतलब जो है राहत आएगी? अच्छा करेगी, जो आएगी अच्छा ही करेगी। हाँ, अच्छा, बहुत आपको देख के काफी मतलब जो है ना, और महिलाओं को मतलब काम करने के लिए जो मन में आशा उगती है, क्योंकि आप जैसे पूरा संभाल रही है घर बाहर सब देखना, उसके बाद अपना जो काम वो भी अलग से देखना। अच्छा, आप ट्यूटर भी हैं? हाँ। तो आप मतलब ये शॉप भी देखती हैं? हाँ। अच्छा, तो आप तो मल्टी टैलेंटेड है देखा जाए तो। 25 मई को वोटिंग है, वोट देने जाती हैं, तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर जो इस बार आप वोट देने जाएंगे? जो हालात चल रहा है जिस तरीके से कि भाई जो भी चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम है, बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदू मुस्लिम के लेके, बहुत सारा मसला चल रहा है, इससे प्रॉब्लम भी हो रही हैं मुस्लिम पे, बहुत ही सारी चीज़ें चल रही कि भाई ये बीच में NRC निकला जो बहुत सारे मुसलमानों को से झेलना भी पड़ा, तो इसके अगेंस्ट है, तो देखो जिसके अगेंस्ट जा रहा है, हम चाहते कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सारे एक साथ ही रहे, अगर वो जो कह रहा है उसको हम वोट करेंगे और उसको ही जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।